सतगुरु ऐसा कीजिए और जैसे सूप स्वभाव सार सार को गही रहे वो तोता दे उड़ाए। महापुरुष लिखे सतगुरु के ऐसा न कीजिए और नर जैसे झाड़ी बोर जैसे झाड़ के बोरी हुए ऊपरों तो वो घणी सुंदर हुए पण ऊपर लाली है के प्रेम की बागी भीतर बड़ा है कठोर माया में जब वो कठोरता हुए तो सतगुरु कैसे होना चाहिए। जन महाराज के सतगुरु ऐसा कीजिए जैसे सूप स्वभाव जैसे सूप के छाज लेने छाले रो स्वभाव है सार सार को गही रहे और के थोता दे उड़ाए। सारी बात में ग्रहण करे और थोती बात है जकीन हमारा त्यागन करे ऐसा संतों का स्वभाव हो तो महाराज वीर कोई गुरु दीक्षा लई तो महाराज दिखे ए स्वार्थी ले सबाई आवे कन धारे वो अरे स्वार्थी लेसी आवे कनी धारे अरे ब्रह्म निष्ठ अन भोई ओ मनवा मेरा आ ऐसा सतगुरु ए जोई स्वार्थ ले सबाई आवे कन धारे वो अरे स्वार्थ ले सी ए बेकनी धारे अरे ब्रह्म निष्ठ अन भोई वो मनवा मेरा आ ऐसा सतगुरु हे जोई दे भाई आ पड़ो रे कष्ट दुखी होई तो आए मोटी जेड अरे पड़ो तोरासी भाई पड़ो रे कष्ट दुखी होई दे आ मोरी बेड़ी अरे पड़ी पगवाई बंदा आ मोरी बेड़ी ए पड़ी पगी माई ओ निकल सके नहीं कोई नो अरे निकल सके नहीं कोई वो ए मनवा मेरा आ अरे ऐसा सतगुरु ए जोईरा
भारत देसी ए बेकन दारे वो आस्वारत ले सवाई अरे बेकनी दारे ओ ब्रह्म में निष्ठि अनुभोई वो हे मनवा मेरा आ ऐसा सत गुरु ए जोईर छोड़ावे भाई ए सतगुरु कहिए सोई रे ए इसके भी आके भी छोड़ावे भाई गुरु कहिए सोई को आसो गुरु है ईश्वरी का ईश्वरी ऐसो गुरु है इसी पर का ईश्वरी ए काटी करे निरी मोई ओ काटी करे निरे मोई आ ऐसा सतगुरु ए जोईर करे मली धोई रे ओ फिर थोड़ा नसी पे अरे जाने नहीं देवे भाई आसुद करे मली धोई रे वासना अरे सारी गमावे वो ये मलीन वासना अरे सारी गमावे ये विषय इच्छा दे कोई वो को विषय इच्छा दे कोई रे मनवा मेरा आ ऐसा सतगुरु अरे जोई
स्वार कले सवाई अरे बेकन धारे वो आसारती देसी ए बेकनी धारे ओ ब्रह्म निष्ठ अनी भोई ए मनवाने आ ऐसा सतगुरु अरे जोईर खेत में अरे डक सोरा सी ए डोई आलक सोरा सी ए डोई अरे अरे अचल राम से ए ईचा भागी ए अचल राम से जग से भाया निरी मोई रे मनवा ए जग से भाया निरी मोई वो मनवा आ ऐसा सती गुरु ए जोई वो बोले सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव की राम जी महाराज की जय हो। महाराज के राम जी राम राम जी राम राम जी राम आओ जेठमल जी आज राम जी महाराज लिखियो है के मन री ऐसा सतगुरु जोई स्वार्थ लेस और के भीख नहीं धारे अरे ब्रह्म निष्ठा अनुभवी स्वार्थ रे वास्ते कोई प्रकार महाराज भीख धारण नहीं हुए ब्रह्म री जगी पक्की निष्ठा भी हुए जन महाराज लिखे मोटी जेल पड़ियो चौरासी आ जगी 84 लाख जुनियो रूपी जेल है जगी मोटी है अरे बड़ी महाराज कठिन है इरमा पढ़ने रे वाद रे मां निकलनो बड़ो बारी मुश्किल हुए मोटी जेल पड़ियो 84 और के बड़ो कष्ट दुख हुई तो इरमा कष्ट सबसे ज्यादा कोई है जन महाराज लिखे के मोहरी बेड़ी पड़ी पगमाई फिर निकल सके नहीं कोई मोहरे बंधन रूपी बेड़ी लागे तो बा पड़ने रे बाद रे मां निकलनो बड़ो भारी मुश्किल हुए जन महाराज के तो बस ई कैदी री कोई कैद छोड़ाने वालो है ही नहीं जन के नहीं महाराज है तू जरूर जन महाराज लिखे के इस कैदी की कैद छुड़ावे सतगुरु की ये सोई कोई संत महात्मा है संत सतगुरु है भाई इरी केदी री एज की केद छोड़ा सके
जिसी प्रकार महाराज दृष्टांत में बतावे कि कोई राजा रे राज दरबार में कोई पिंजरे में जुगु सू के दो सुबह रो टाइम और कोई महाराज भिक्षा ले उनले वास्ते आया भी टिमर में भी सुवे दे कर पूछे बोले महाराज महाराज जीता भी भाई बंद है जका आकाश रे मा उड़े आजाद है अर मैं ई है जुग महाराज पिंजरे रे मा बंदू के दू तो यूं छुटकारो अगर जे पाने रो आप रखन कोई युक्ति है महाराज देख कर के भाई मैं मन तो कोई युक्ति कौन माने युक्ति थी है कि 10-20 घर फिर आओ अब भिक्षा मांग कर लिया और जीम लो महाराज भजन करो इर अलावा मार्गन कोई है जुगो युक्ति कौन पर मारे गुरु महाराज ने मैं पूछ रहा हूं अगर जे भी कोई मन जवाब दे तो मैं तन काले जरूर बताऊं वो शिष्य है जुगो महाराज आश्रम में गियो और भी टेमर में महाराज और चेलो दोनों है जगह गुरु चेलो जो ही भजन करने बैठा फिर भी टेम में भी है जुगो बात चलाई बोले महाराज आज मैं एक राज दरबार में गियो और बट राजा रे राज दरबार में पिंजरे रे मा सू है जो को कैद है गाओ 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 हां गाओ हां थोड़े दो भजन आपन आरा सुनो सेन जी रा सुनो दो भजन वीर बहादुर मा थन सुना हां जरूर जरूर जन महाराज के जो ही वे भजन करने बैठा अरबी टेमरमा महाराज भी है जो शिष्य पूछो बोले बाप जी आज मैं राज दरबार में गियो जोगवट एक राजा रे पिंजरे रे मां सू बंद है जो वो सू के भी पिंजरे सू मुक्त किया हूं जो ही इति बात कही और गुरु महाराज ने जो महाराज मूर्छा आई जो भी आधी घंटों में जो चेतो को करियो जन वो शिष्य दौड़ करके पानी लाए और पानी रो छांटा दिया छावका दिया कि आंखें माथे अर अवा भाई रो गालियो जन महाराज आधी घंटा हम जाओ तो आंख खोली जन भी शिष्य मन में विचार कर भी वो गुस्सो है जो कोई दुष्ट प्रवृत्ति रो जीव है दुष्ट आत्मा है अर बीरो महाराज नाम लेने से मारे गुरु महाराज ने जो मूर्छा आ गई इस वास्ते फिर भी दोबारा नाम है जो लियो को जो ही वो राज दरबार में आयो अर भी सुवे देख कर के बोले भाई यूं है महाराज मैं थोने बाकाल बात पूछी बीरू आप है जो मन जवाब दोर का वो अपूटो भर गयो हाँ मैं पीट कर ली बोले तू तो कोई दुष्ट कुकर्मी जीव है थारो नाम लेने हमारे गुरु महाराज ने काले जो महाराज मूर्छा आई आधी घंटा है जो महाराज भी चेतो को करियो इर वास्ते मैं थारा दर्शन करूं कौन जन भी सुवे देख विचार करियो मन में बोले रे महाराज तू तो गणी महाराज रे एकदम साथ में रे सानिध्य मिले तन महाराज रो पण महाराज तो ही थारा आ बात तो दिमाग में बैठी कोनी बाकी मारे लिए वहां बहुत बढ़िया फायदो कर दिए क्योंकि सतगुरु बाण बाविया और लगा कलेजी पार एर लगता ही भाव मिट गया बच खुल गया मोक्ष द्वार सतगुरु एक शेन ही दिया करे महाराज जो ही राज दरबार में सुबेरे टाइम रे मां एर कोई दासी दास चुगो ना करने वास्ते आयो एर कभी सुवे गोय करियो महाराज वा मूर्छा अड़ाई जो ही भी पिंजरो खोलियो आगे चुगो चुगियो खून दे महाराज यूं चांच पकड़ रही हूँ करेर का पंखिया डेर दे एर पंखियों पकड़े का महाराज विलनी निजी नौके भी विचार की भी शू है जो खत्म हो गया राजा राज दरबार में जाकर के राजा ने आगे जो फरियाद कही बोले महाराज शू खत्म हो गया बोले कोई बात कौन नहीं जो बार फेंक दो दूसरो पहाड़ बढ़िया जो ही बिन पिंजरे सु बार निकालियो एर महाराज वो फर्द उड़ियो तो ऐसे ही संत री से नहीं विया करे इस कैदी की कैद छुड़ावे सतगुरु कही सोई अरे सो गुरु है के ईश्वर का ईश्वर अरे वो काट करे निर्भोई वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वही ईश्वर का ईश्वर है मन रे तुम ऐसा सतगुरु जोई स्वार्थ लेस देख नहीं धारे के ब्रह्मिष्ठा अनुभोई तो फिर महाराज कहे के फिर 84 में जाने नहीं देवे संतो अगर जे कोई सानिध्य ले लियो तो महाराज संत महात्मा करोड़ी जतना भी जीव ने जो उतारने की कोशिश करे क्योंकि संत का स्वभाव ही ऐसा है फेर 84 में जाने नहीं देवे और के शुद्ध करे मल धोई एर मलिन वासना सारी गमावे और विषय इच्छा देखोई हम पांच प्रकार का विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तो कई इस पशु पक्षी है जगह रबारे कही है कि एक को विषय लागू है तो इवाने जो महाराज ईर्मा मरणों पड़े तो अपार तो मनुष्य तो 500 500 लागू है
और विषय ईसा है तो 500 अरे स्वामी जी मैं लिखी हुआ 84 चक्र तन तैयार है कोई टाल नहीं होगा। विषय इच्छा से प्रत केद में और के लख 84 ढोई अचल राम विषय इच्छा भागी और वो जग से भया है निर्मोही। मन रितु ऐसा सतगुरु जोई स्वर तले सभीक नहीं धारे के ब्रह्मनिष्ठ अनुभोई सच्ची दामनंद भगवान की राम जी महाराज की।